Hello everyone. Can I say hi Uplog? Good to see you people again. Give me a hi if you're there. Let's see who all are there. Are you all there? Anybody there? Please respond if you're there. Okay. We have somebody here. So others, how are you people doing? What's up? What's going on? Kya hal chal? Sab Fine. Okay. So, I think. Uh, You're also here to learn about a very important chapter of physics, kyunki isi se aapke basics bante hain Anything you want to do in mechanics, the basics have to come from Newton's laws of motion. to तो, Newton's laws of motion वैसे अगर topic देखा जाए तो काफी छोटा सा topic ऐसा लगता है। Just three laws हैं, उने state कर दो and uh, that's it, three statement. यू और वेरी वेल नो आपने अपने फाउंडेशन ग्रेड में भी ये तीनों लॉस पड़े हुए हैं तो इट्स नॉट अबाउट द लॉस देखिए लॉस तो ईजिली स्टेट हो जाएगा इट्स अबाउट इट्स एप्लीकेशन तो यूजअली वेन यू गो टू सीनियर ग्रेड उसमें भी जेई लेवल पर जब आप पहुँच जाते हैं तो उन्ही लॉस का एप्लीकेशन कैसे होता है वो इंटरेस्टिंग बनाता है इस टॉपिक को तो आज हम वही देखने वाले हैं कि कैसे ये टॉपिक जो सिंपल से लॉ हैं तीन उस पर मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो आप जानते ही हैं उनका एप्लीकेशन कैसे कैसे इंटरेस्टिंग हमारे सामने लेके आता है ऑल राइट right. तो क्या आप लोग रेडी हैं चलिए फिर अगर ऐसा है तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट तो पहले तो तीन तीनों जो लॉ है वो आपको पता है पहला लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया जिसमें किस बारे में बात होती है सो ऑब्वियसली आई एम नॉट टीचिंग एट फाउंडेशन लेवल तो मैं क्विकली एप्लीकेशन पार्ट पे जाना चाहता हूं थ्योरी आई वॉन्ट टू स्किप वेरी क्विकली तो फर्स्ट लॉ इज बेसिकली द लॉ ऑफ इनर्शिया की एनी ऑब्जेक्ट वॉन्ट्स टू कंटिन्यू द स्टेट दैट इट इज इन तो अगर कोई ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे तो रेस्ट पर रहना चाहेगा और लेट्स ए कॉन्स्टेंट वेलॉसिटी से मूव कर रहा है इफ यू वॉन्ट टू ब्रिंग एनी चेंज अप्लाईट वी सेव टू फोर्स एग्जैक्टलीट्स वॉट है ऑब्जेक्ट एज वेल है सो दैट इज फर्स्ट लॉ वेरी इजी सेकेंड लॉ जब हम देखते हैं तो सेकेंड लॉ में थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन होता है क्योंकि सेकेंड लॉ यूजली पढ़ा दिया जाता है एज एफ इक्वल एम ए यही लिख दिया जाता है कि भाई सेकेंड लॉ और कुछ नहीं है बस फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सलोरेशन सो आई ऑलवेज टेल पीपल कि ओरिजिनल सेकेंड लॉ ऐसा नहीं था ओरिजिनल सेकेंड लॉ क्या था वेल ओरिजिनल सेकेंड लॉ था कि जो फोर्स है ऑन एन ऑब्जेक्ट इज

तो जो हमें फार्मूला पता है फेमस फार्मूला दैट इज एक्चुअली द सेकेंड टर्म ऑफ ओरिजिनल फार्मूला ओरिजिनल इज फार्मूलाई डी टी प्लस एम ओरिजिनल फार्मूला है ये एक्चुअल सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तो सेकेंड टर्म ही है जो हम पढ़ते हैं फर्स्ट टर्म तो हम भूल जाते हैं क्यों हम भूल जाते हैं वाई इन मोस्ट ऑफ द केस फर्स्ट टर्म इज नॉट टेकन क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेज में ये जीरो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पुश कर रहे हैं इट्स मास इज नॉट चेंजिंग मास नहीं बदल रहा है उसका तो मास अगर कांस्टेंट ही रहेगा फोर्स लगाने के बाद भी तो फर्स्ट टर्म तो जीरो हो जाएगी एंड यू आर लेफ्ट विद एफ इक्वल ए तो इसीलिए न्यूटन सेकेंड लॉ मोस्टली जो हमें पता है दैट इज एफ इक्वल ए बट अगर आप बात करें साइंटिस्ट एट इसरो ऑल साइंटिस्ट दे कैन नॉट यूज दिस वो एफ इक्वल एम ए यूज नहीं कर सकते उन्हें तो ये यूज करना पड़ेगा क्योंकि एज रॉकेट प्रोपेल्स रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जाता है तो आप जानते हैं कि उसका मेजर पोर्शन फ्यूल से बना हुआ है उसका मेजर वेट आता है फ्यूल से तो एज द रॉकेट गोज फ्यूल बर्न और मास भी चेंज होता है एक no uh, okay, so पर्टिकुलर इसमें भी कुछ डिटेल्स हैं जरा समझते हैं जब एफ इक्वल्स एम ए लिखा जा रहा है तो ये फोर्स क्या है क्योंकि अगर मैं आपको ऐसा एक दे दू पे एक ब्लॉक है और दो फाइव न्यूटन के फोर्स लग रहे हैं इस पे एक किलोग्राम है। अब कोई कंफ्यूज इस तरह से हो सकता है, कि F M है ये तो बड़ा आसान रख दिया फाइव फोर्स तो फाइव है मास भी फाइव है एक्सेलरेशन तो एक्सलेशन इज वन बट ये तो गलत है इट्स रॉन्ग रहेगा तो इसका मतलब जो यहाँ पेट जस्ट वन फोर्स इट्स कुछ लोग बोलते हैं टोटल फोर्स वैलिए टोटल फोर्स भी नहीं है क्योंकि क्या मैंने फाइव और फाइव को एड कर दिया नहीं मैंने सब ट्रैक किया क्यों सब ट्रैक किया बिकॉज देवर इन डिफरेंट डायरेक्शन तो ये नेट फोर्स होता है ये भी याद रखिएगा तो इस तरह से न्यूटन सेकेंड लॉ हो गया हमारा सब चंगा जी तुम दसो की हाल चाल सो हाउ वी हैव दिस तो अब आगे बढ़ते हैं कुछ एप्लीकेशन पार्ट की बात करते हैं अच्छा हाउ मेनी हियर वांट्स टू लर्न फ्रॉम द वेरी बेसिक व्हाट हैपन्स टू एनर्जी लॉस्ट एनर्जी इज गोइंग इनटू द फॉर्म ऑफ हीट इज जस्ट लाइक आप एक दीवार को जाके पुश कर रहे हैं तो क्या होगा ये अच्छा क्वेश्चन है अगर आप दीवार को जाके ऐसे पुश कर रहे हैं तो आपके मसल्स में तो पेन हो रहा है आपको पता है आप एनर्जी पूरी लगा रहे हैं इसमें और कुछ टाइम बाद अगर आप लगाते रहेंगे तो पूरा पसीना पसीना हो जाएंगे अगर एक दीवार को पुश करते रहे लेकिन ना दीवार मूव करी ना उसमें कोई डेंट पड़ा लेकिन आपकी तो एनर्जी चली गई तो कहाँ गई ये सारी एनर्जी तो ये सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल गई योर बॉडी विल बिकम मोर विल हैव मोर टेम्परेचर देन बिफोर तो ये सारी एनर्जी कहां चली जाती है हीट में चली जाती है तो अच्छा क्वेश्चन था हु इट हु दिस क्वेश्चन वॉट इज योर नेम चलिए सो आई वॉज आस्किंग यू पीपल दैट आर यू इंटरेस्टेड इन द बेसिक्स और शेल वी डायरेक्टली मूव टू द एप्लीकेशन पार्ट तो मूव कर ही लेते हैं बिकॉज बेसिक्स uh, तो सब लोगों को अब आते ही हैं इतना ज्यादा बेसिक्स में जाने की जरूरत नहीं बस ये एक केस मैंने बता दिया था जहां पे मास अगर बदलता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू अब कुछ और बेसिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं तो जरा केस लेते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस का एक केस मैं ये बताता हूँ लोगों को कि सपोज ये हॉरिजोंटल फ्लोर है और यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं एक ये रहा और एक ही रहा। ऐसे दो blocks हो गए, एंड पे, मैंने कोई force F लगा दिया। कुछ वैल्यूज दे देते हैं ताकि इजी हो जाए हमारे लिए सॉल्व करना तो इसे दे देते हैं टू किलोग्राम इसे दे देते हैं फोर किलोग्राम और फोर्स जो मैंने लगाया उसे बोल देते हैं थर्टी सिक्स न्यूटन

ऑब्जेक्ट्स जब एक साथ मूव करते हैं विदाउट एनी सेपरेशन अ फोर्स इज अप्लाइड दैट मीनस दे हैव अ कॉमन एक्सेरेशन उनका एक्सलरेशन जो है वो एक कॉमन होता है दोनों ए एक्सेलरेशन के साथ जाएंगे दैट्स फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अब क्या हम उस कॉमन एक्सेलेशन को निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है ये जो कॉमन एक्सेलरेशन है सिस्टम का ये कितना होगा कैन एनी बडी टेल मी द कॉमन एक्सेरेशन ऑफ द सिस्टम सिक्स ओके वन पर्सन इज से व्हाट अबाउट अदर्स क्या ये बेसिक प्रॉब्लम आप कर सकते हैं सिक्स राइट वेरी इजी कैसे करेंगे हम बोलेंगे इस सिस्टम को इमेजिन कर लो एक ही सिक्स किलोग्राम का ब्लॉक रखा है और उस पर आपने थर्टी सिक्स न्यूटन लगाया है और वो किसी कॉमन एक्सेलरेशन और वो किसी एक्सेलेशन के साथ जा रहा है तो यहां तो बड़ा इजी आंसर है एक्सेलेशन इज फोर्स बाय थर्टी सिक्स बाई सिक्स इज सिक्स मीटर्स पर सेकेंड तो ये बड़ा आसान है एक्सेलरेशन निकाला कॉमन लेकिन अब मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये कि ब्लॉक ए जो है इसके पास एक्सेलरेशन आ रहा है ये समझ में आ रही है बात क्यों समझ में आ रही है क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लगा हुआ है ए ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि बी को किसने मूव करा बी के पास ये एक्सेलरेशन आया कैसे मैंने तो कोई फोर्स लगाया नहीं बी पे सो हु इज प्रोवाइडिंग एक्सेलरेशन टू बी विच फोर्स कैन बडी टेल मी विच फोर्स इट इज कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन देम एग्जैक्टली एक कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है तो जब भी दो सरफेस कॉन्टैक्ट में होती है हो, उनके बीच में हमेशा क्या लगता है

अगर ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया कॉन्टैक्ट फोर्स तो बी वुड रिस्पॉन्ड बैक विद विदर्स कॉन्टैक्ट फोर्स ये थर्ड लॉ हो गया और अब किसी भी केस के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं आप बोल सकते हैं फोर किलोग्राम भी सिक्स से जा रहा है तो इस फोर्स की वैल्यू क्या हुई मास इनटू एक्सलरेशन तो कांटेक्ट फोर्स कितना आ गया ट्वेंटी फोर न्यूटन्स तो ये तरीका है इसे सॉल्व करने का कांटेक्ट फोर्स निकालने का राइट सो so, ये फर्स्ट वेरी बेसिक फोर्स टाइप ऑफ फोर्स दैट यू लर्न एंड दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स ऑलवेज एक्ट बिटवीन टू आर इन अब यहां क्वेश्चन ये उठता है तो फिर सर एक और फोर्स आप क्यों डिफाइन करते हैं और वह दूसरी फोर्स क्या है नॉर्मल रिएक्शन आपने देखा होगा कि हर बुक में आपको एक ये दूसरी फोर्स भी मैंशन होगी जहां पर कि एक ब्लॉक सर्फेस पे रखा है उसके ऊपर एम जी लग रहा है एंड दे से एक नॉर्मल रिएक्शन है तो क्या नॉर्मल रिएक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स ही नहीं है क्या लगता है आपको इज एन दैट अ फोर्स एक्टिंग एट व्हाट डू यू थिंक इज नॉर्मल रिएक्शन अ कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉट आई सपोज यू आर थिंकिंग कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स है या नहीं ओके यस दैट इज़ वॉट यू आर से तो बिल्कुल सही बात है नॉर्मल रिएक्शन भी एक टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स है इसको और ब्रॉडली अगर मैं अच्छे से पुट करूं तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स का कॉम्पोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन मैं ये क्लेम करना चाहता हूँ यहाँ पे कैसे क्लेम कर रहे हैं आप सर कि नॉर्मल रिएक्शन हेलो यू आर लेट नो इश्यूज वी हैव जस्ट स्टार्टेड तो कैसे मैं क्लेम कर रहा हूं कि नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टेक्ट का एक कंपोनेंट है इस तरह सपोज यहां पे देखते हैं हम कि फ्रिक्शन होता ग्राउंड में और कोई ब्लॉक रखा है और मैंने तो ब्लॉक पे लगाया फोर्स ऐसा द फोर्स आई हैव अप्लाइड ऑन द ब्लॉक इज एट एन एंगल एट एट अ स्लान सो ग्राउंड क्या करेगा ग्राउंड पे भी ये ब्लॉक इसी तरह का फोर्स लगा रहा होगा तो ग्राउंड तो बोलेगा इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन अगर ये किसी का एक्शन है तो ग्राउंड बोलेगा उसका रिएक्शन भी इसी के ऑपोजिट होगा ऐसे ये सबको समझ में आया तो ये हमारा एक्शन था और ये ग्राउंड का रिएक्शन है तो लेकिन ये जो ग्राउंड का रिएक्शन है इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं एक कंपोनेंट तो आएगा इस डायरेक्शन में और एक कॉम्पोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में और जो ये परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट आता है सरफेस के इसी को तो हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन और जो दूसरा आया उसे हम क्या बोलते हैं सर मेरा इलेवेंथ बर्बाद है फिजिक्स का क्या करूं बेसिक से इसीलिए मैं शुरू कर रहा हूं जिनका भी फिजिक्स बर्बाद है तो मैं आज डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम नहीं करा रहा हूं वो भी कर लेंगे एंड तक लेकिन पहले बेसिक करेंगे आज तो ज़रा बताएंगे ये जो दूसरा कॉम्पोनेंट आया ये कौन सा हो सकता है नॉर्मल रिएक्शन तो आ गया रिएक्शन का एक कॉम्पोनेंट और ये जो दूसरा है ये क्या है कैन यू टेल मी सरफेस रफ है यहाँ पे स्मूथ नहीं तो ये वाला फोर्स क्या हो सकता है भैया आप सोचो ना एक ब्लॉक को ऐसे पुश कर रहे हो लेकिन वो आगे नहीं बढ़ता है क्यों नहीं बढ़ता ना नीचे जाता है ना आगे बढ़ता है तो नीचे इसलिए नहीं जाता क्योंकि नॉर्मल लग रहा है ऊपर की तरफ और आगे क्यों नहीं बढ़ता क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है ये फ्रिक्शन है समझ में आया दिस इज फ्रिक्शन तो असल में कॉन्टैक्ट फोर्स इसे हम बोल सकते हैं जो रिएक्शन फोर्स या आप बोल सकते हो ग्राउंड का कॉन्टैक्ट फोर्स है जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगा ऑल राइट यह हमारे पास लगा है सो so, अगर ग्राउंड का कॉन्टैक्ट फोर्स हमारे पास लगा है और इसी के दो कॉम्पोनेंट तो मैं ये भी लिख सकता हूं कल याद हो आपको अगर तो मैंने आपको एक रोलिंग पे क्वेश्चन कराया था डू रिमेंबर दैट जी एडवांस वाला जिसमें एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रही थी एक स्टिक रिंग के ऊपर वहां मैंने कहा था लोग मिस कर जाते हैं कि कांटेक्ट फोर्स इज एक्चुअली द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लोग यूजुअली याद नहीं रखते हैं कि फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट ही कांटेक्ट फोर्स होता है ओके सो वी हैव सम पीपल ऑन यूट्यूब आल्सो वाचिंग अस ऑन यूट्यूब, सो हेलो एवरीवन, हाय टू यू पीपल एज वेल सर टेक माय नेम And what is your name? That's really interesting name. All I could <laughs> infer from that is that you are a pooler. Rest all I can't infer anything. So anyhow, you're welcome. चलिए आगे बढ़ते हैं अब. तो हमें contact force, normal force, इन सब के बारे में समझ में आ गया है. अब time है कुछ और बात करने की. Tension force की बात करते हैं. Let's talk about tension. अब ये सब के लिए बड़ा एक ऐसी ऐसा वर्ड है जो सबके काफी क्लोज है कि हमें काफी टेंशन होता है तो टेंशन फोर्स क्या है वेल well, जब भी कोई एक रोप के कारण आप फोर्स लगाते हैं तो अगर ये ब्लॉक है और ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे रखा है और मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दी एक रोप और ये ब्लॉक है लेट्स मैंने रोप के इस एंड पे फोर्स लगाया तो आप मुझे बताएंगे ब्लॉक को कितना फोर्स फील होगा इज सूडो फोर्स उसके लिए एक क्लास आ रही है पूरी सूडो फोर्स के लिए तो द पर्सन सूडो फोर्स स्टे स्टेट नेक्स्ट सैटरडे फ्राइडे सैटरडे भी इसी पे लेक्चर्स हैं एक पूरी क्लास सूडो फोर्स पे देंगे तो आप बताइए कितना फोर्स ब्लॉक को फील होगा अगर मैंने यहाँ रोप पे एफ फोर्स लगाया तो कब आएगी नेक्स्ट फ्राइडे को यहां फोर्स अगर एफ लगाए एंड ऑल्सो यू कैन सी नोटिफिकेशन सॉल्व में जाइए और क्लासरूम वाले टैब पे देखिए तो आपको सारे अपकमिंग क्लासेस दिखेंगे वहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए तो कोई यहाँ पे आंसर नहीं कर पा रहा कि एफ फोर्स अगर रोप पे इधर लगाया तो यहाँ कितना पहुँचेगा ब्लॉक के ऊपर एनी वन विध एनी आंसर क्या एफ फोर्स ही पहुँचेगा उधर या उससे कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा वट डू थिंक YouTube में कोई रिस्पॉन्ड करने वाला टी सर कैपिटल टी अच्छा देखिए YouTube में भी काफ़ी रिस्पॉन्स आ रहे हैं मुझे तो ओके कैपिटल टी हाँ कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो ये टेंशन ही है चलिए अगर आप लोगों को टेंशन ज़्यादा प्रिय है तो टेंशन टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो अब इसका आंसर कि कितना फोर्स वहां पहुंचेगा एक्चुअली आपको कहना चाहिए सर दैट इज केस डिपेंडेंट ये डिपेंड करता है कि रोप मासलेस है या नहीं है ये बहुत से लोगों को पता नहीं होती है ये बात कि वेदर द सेम फोर्स रीचेज ऑन द अदर साइड और नॉट डिपेंड्स ऑन वेदर द रोप इज मासलेस और हैविंग अ मास अगर रोप यदि मासलेस हुई तो तो उतना ही फोर्स यहाँ पहुंच जाएगा एट एनी पॉइंट बी सेम फोर्स और अगर रोप के पास मास है तो फिर सेम फोर्स यहाँ नहीं पहुंचेगा कम हो जाएगा कैसे प्रूफ करेंगे चलिए प्रूफ कर देते हैं मैं सपोज रोप का मास ले लेता हूं तो कितना मास ले ले रोप का एम बाई टू लेते हैं सपोज हाफ ऑफ ब्लॉक्स मास इज द रोप तो अब क्या करेंगे आप अब अगर आपने टेंशन फोर्स लगाया है तो इसे अब एक पूरा सिस्टम मानना पड़ेगा एक सिस्टम जिसका कि मास कितना हो जाएगा जिसका कि मास हो जाएगा थ्री एम बाई टू एम प्लस एम बाई टू रोप का भी तो मास है अब राइट right? तो इसीलिए यहां पे अब आप 3m एम बाई टू पे एक टेंशन लगाया है आपने तो कितना टेंशन की वैल्यू आएगी कितना एक्सेलरेशन आएगा मुझे ये पूछना चाहिए आपसे तो एक्सेलरेशन आप बोलेंगे आ जाएगा सर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास ये एक्सेलरेशन आ गया तो अब जरा बताइए अगर ये m बाई टू की रोप अब हम सिस्टम को सेपरेट कर देते हैं एम बाई टू की रोप को अलग से देखता हूँ एम बाई टू की जो रोप है इस पर एक टी फोर्स लग रहा है एंड इट्स गोइंग विद एक्सेलरेशन टू टी बाय थ्री एम अब जरा सोचिए ये ब्लॉक को इधर पुल कर रही है तो ब्लॉक उसे पीछे पुल करेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ इस एंड नाम दे देता हूं एंड ए और एन बी तो रोप जो है ये तो इसका रोप का एंड ए है और ये एंड बी है तो एंड बी ब्लॉक को इधर पुश करेगा ब्लॉक उसे पीछे की तरफ पुश करेगा तो रोप को फील होगा कि किसी फोर्स से ब्लॉक उसे पुश कर रहा है एफ वही हमारा फोर सेट बी है जिसे हमें निकालना है तो अब इसकी इक्वेशन लिख देते हैं इक्वेशन क्या होगी ये जा रहा है एक्सलरेशन टू टी थ्री एम से तो जरा बताएंगे एफ की वैल्यू क्या होगी एम बाई टू मास की रोप T फोर्स इस डायरेक्शन में F इस डायरेक्शन में एक्सलरेशन इतना तो फोर्स की वैल्यू क्या F की वैल्यू कितनी आएगी कोई है जो बता सकता है F की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं F की वैल्यू मिस्टर पूलर कैन यू टेल ओके आई होप यू पीपल आर सॉल्विंग देखते हैं किसका आता है डोंट नो प्लीज टेल अच्छा जी अरे बहुत आसान था देखिए टी इस डायरेक्शन में नेट फोर्स तो लगाना है दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स इक्वल्स एम मा, ए इसका मास है एम बाई टू और एक्सेलरेशन टू टी बाय थ्री एम जस्ट न्यूटन सेकेंड लॉ यही तो लगाना था तो टू से टू कैंसिल हुआ एम से एम कैंसिल हुआ यहाँ पे आ गया टी बाई थ्री तो फोर्स की वैल्यू आ गई टी माइनस टी बाई थ्री दैट इज टू टी बाई थ्री जरा देख रहे हैं आप कि ऑल दो आपने तो टेंशन लगाया यहाँ पे टी लेकिन यहाँ पे कितना पहुंचा पॉइंट बी पे टेंशन पहुंचते पहुंचते कितना हो गया टू थर्ड हो गया वन थर्ड टेंशन गायब इज एवरी वन क्लियर अगर रोप के अंदर मास है तो सेम टेंशन ट्रांसफर नहीं होता है सेम टेंशन इज नॉट ट्रांसमिटेड ओनली टू थर्ड गॉट ट्रांसमिटेड इन दिस केस ये कोई रूल नहीं कि हमेशा टू थर्ड ये मास पे डिपेंड करता है ओके okay. तो इतना अगर समझ में आ गया तो आप ये समझना है कि फिर रोप के पास अगर मास ना हो तो फिर क्या क्या सेम टेंशन दूसरे एंड तक पहुंच जाएगा बिल्कुल पहुंच जाएगा देखते हैं कैसे चलिए तो अब मैं कह रहा हूं कि इस रोप के अंदर कोई मास नहीं ये ब्लॉक है ये आपकी रोप रही एंड ए एंड, एंड बी अब आपने फिर से इस पे फोर्स लगाया टेंशन टी अब मैं बोल रहा हूं रोप का कोई मास ही नहीं है मासलेस रोप इसका जरूर हो सकता है तो अभी भी रोप मूव तो करेगी क्या मासलेस ऑब्जेक्ट क्या एक्सेलरेट नहीं कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं तो ये पूरा सिस्टम अभी भी एक्सेलरेट करेगा और इनके एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा तो आप बोलेंगे भाई टोटल मास भी अगर लें तो कैपिटल एम ही तो मास है इसका तो कुछ है नहीं तो अगर आप एक्सेलरेशन लिखेंगे भी तो कितना आ जाएगा टी एम कैपिटल एम इसी का मास है इसका तो कुछ है नहीं तो यही एक्सेलरेशन है सिस्टम का अब जरा रोप का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं कि रोप को कैसा लगेगा तो रोप कहेगी कि ये रहा एंड ए ये रहा एंड बी और यहां पे हमने लगा दिया फोर्स विच इज टी और हमें पता लगाना है कि यहां पे कितना बन जाएगा ये फोर्स टेंशन दूसरे एंड तक पहुंचते पहुंचते कितना हो जाएगा मास है जीरो और इसका कोई एक एक्सेलरेशन है ए टी बाय वैल्यू का तो जैसे ही आप लिखेंगे फिर से न्यूटन सेकेंड लॉ नेट फोर्स माइनस एफ इक्वल्स एम ए जैसे ही आप दूसरी तरफ एम ए लिखेंगे एम कितना है जीरो तो जैसे ही आप लिखेंगे RHS हो जाएगा जीरो और देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्या आ रहा है निकल के टेंशन एंड फोर्स एफ आर सेम दैट मीनस इफ रोप इज मासलेस चाहे कितनी बड़ी रोप हो कितनी लंबी रोप हो उतना ही फोर्स दूसरे कोने पे चला जाता है ये बात समझ में आई सबको तो अब हमेशा से ध्यान रखना कि वेदर द फोर्स वेदर द रोप इज और नॉट सर अगर ग्रेविटी एक्शन में हो तो हां ग्रेविटी जरूर एक्शन में होगी लेकिन यहां पे अभी हमने इग्नोर करी वरना आप बोलेंगे रोप तो सर होगी बीच में ऐसा कर्व बन जाएगी आई अंडरस्टैंड बट अभी हमने उसे इग्नोर किया चलिए तो इतने डाउट फार so सबके क्लियर अब आगे बढ़ते हैं क्यों ना कुछ प्रॉब्लम्स किए जाए अब तो अब अगर रोप मासलेस होगी सेम टेंशन दूसरे एंड तक पहुंचेगा विदाउट फेल सेम टेंशन जाएगा दूसरे कोने पे तो इस पे बेस्ड क्या क्वेश्चन कर सकते तो इस पे बेस्ड अच्छे क्वेश्चन आते हैं जब इंक्लाइन प्लेन भी आ जाता है अब इंक्लाइन प्लेन का सबको सिनेरियो पता है क्या इंक्लाइन प्लेन का सिनेरियो कि अगर एक इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे ग्राउंड है एंड इट इज़ फिक्सड इंक्लाइन प्लेन मूव नहीं कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इसको मैंने मूव करा दिया तो ये एडवांस का क्वेश्चन बन जाएगा और इसके ऊपर एक ब्लॉक है जो स्लाइड कर रहा है स्लाइडिंग डाउन एंगल इज थीटा तो कुछ लोगों के इतने बेसिक्स कमजोर होते हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि कौन सा कॉम्पोनेंट इसे स्लाइड करा रहा है कौन सा कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन लग रहा है ये लोगों को पता ही नहीं होता है तो वेरी क्विकली विल सी द बेसिक बेसिक इस तरह से देखते हैं कि भाई फोर्स तो लग रहा है एम वो तो नीचे ही लगता है उसका आप कुछ कर नहीं सकते चाहे आपका इंक्लाइन कैसा भी हो एम तो हमेशा लगेगा नीचे ही और दूसरी बात जो अब आप यहाँ देखेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन लगेगा आप नॉर्मल रिएक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा बताना बीच में रह गया नॉर्मल रिएक्शन का नाम ही देखिए क्या बोल रहा है एक तो एक तो बोल रहा है नॉर्मल नॉर्मल मतलब ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा और रिएक्शन ये हमेशा रिएक्टिव फोर्स होगा अपने आप से कभी नहीं लगता ओनली इफ यू पुश द ग्राउंड ग्राउंड आपको पुश वापस करेगा तो इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लोगों को लगता है कि ग्रेविटी के ऑपोजिट लगता है हमेशा नॉर्मल गलती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हॉरिजॉन्टल होता है इसलिए ऐसा लगता है अब मैंने इंक्लाइन पर रख दिया फिर अब तो सरफेस टिल्टेड हो गई तो अब नॉर्मल कैसे लगेगा अब नॉर्मल लगेगा परपेंडिकुलर टू सरफेस ऐसे ये आपका नॉर्मल हो गया तो अब यहाँ पे ब्लॉक कैसे स्लाइड कर रहा है ब्लॉक तो भाई जा रहा है डाउन द इंक्लाइन कोई भी देखेगा तो बता देगा कि ब्लॉक जा रहा है नीचे की तरफ तो यहां पे हमें देखना है कि डाउन द इंक्लाइन कौन सा फोर्स है तो डाउन द इनक्लाइन जो फोर्स है दैट इज एम का एक कॉम्पोनेंट एम का एक कॉम्पोनेंट आएगा इधर और एक कॉम्पोनेंट आएगा इधर ये सब लोग समझ सकते हैं अब यहाँ पे बात आती है एंगल की तो एंगल देखिए ऐसे समझ सकते हो आप ये थीटा है ये वर्टिकल एम ये 90 डिग्री तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा तो आपके जो दो कॉम्पोनेंट है एक इधर और एक इधर नाइन्टी माइनस थीटा ये पूरा 90 तो ये थीटा तो इसीलिए ये जो कॉम्पोन ये जो एंगल है ये थीटा हो जाता है और हमेशा आपको पता है कॉम्पोनेंट टूवर्ड्स एंगल कॉस होता है तो ये एम जी कॉस और इधर वाला जो है दैट इज एम जी साइन इस तरह से आता है और नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन ए से तो डाउन द इंक्लाइन तो सिर्फ यही फोर्स है एक्सेलरेशन के अलोंग तो सिर्फ एक ही फोर्स है वही इसे एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी वेल इट इज फोर्स बाय मास फोर्स एम जी थीटा उसको डिवाइड कर दो मास से तो दैट इज जी थीटा तो इतना एक्सेलरेशन होता है किसी भी ब्लॉक का डाउन द इंक्लाइन और ये कॉमन है जरा इंटरेस्टिंग बात देखिए कि एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास कितना ही मास हो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता एक्सेलरेशन एक ही आना है टू कंडीशन कोई फ्रिक्शन ना हो होन थीटा फोर्स लगेगी जिससे मूव होगी नहीं एन थीटा मूव नहीं करेगा देखिए किसी ने कहा एन थीटा तो कहां लगता है एन के कॉम्पोनेंट नहीं लेना है हमें एन के कॉम्पोनेंट तो गलत हो जाएंगे क्योंकि वो हमें देखना है एक्सलरेशन डाउन द इंक्लाइन अगर नॉर्मल के आप कंपोनेंट्स लेंगे भी किसी ने कहा नॉर्मल के कॉम्पोनेंट क्यों नहीं लेते तो ले लो देखो एक ऐसा आएगा एक ऐसा अब भाई ब्लॉक हमें तो एक्सेलरेशन निकालना है नीचे जाते हुए कितना एक्सेलरेशन हमें ये थोड़ी निकालना है कि राइट में कितना एक्सेलरेशन या वर्टिकली कितना एक्सेलरेशन वो निकालना है तो जरूर फिर तो एन के कॉम्पोनेंट लेंगे कैसे ये एम तो नीचे है ही दिस एंगल इज थीटा तो ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि ब्लॉक का राइट एक्सेलरेशन डायरेक्टली कॉम्पोनेंट लेके भी कर सकते हो कि यहाँ एक्सेलरेशन आ गया तो इसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट कितना वर्टिकल कितना इससे डायरेक्टली भी हो जाएगा और इस तरह फोर्स एनालिसिस से भी कर सकते हो ये थीटा तो ये थीटा दिस इज नाइनटी माइनस दिस थीटा ये इन कॉस थीटा है ये इन साइन थीटा है लाइक दैट यू कैन डू एनालिसिस तो ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन हमें तो डाउन द इंक्लाइन निकालना है इसीलिए इसे रहने देते हैं तो सो फार आई थिंक दिस मच इज क्लियर तो जी साइन थीटा डाउन द इंक्लाइन एक्सलोरेशन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन क्या हो रहा है वेल परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन ये हो रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंसिंग दी कॉस थीटा क्योंकि परपेंडिकुलर टू सर्फेस तो मूवमेंट हो नहीं रही दैट्स एन इज एम जी कॉस थीटा ये यहां पे ये इक्वेशन ये दो इक्वेशन हर एक क्वेश्चन में लगेगी एवरी क्वेश्चन विल हैव दीज टू इक्वेशंस ऑल राइट सो आर यू ऑल देयर कैन यू ऑल रिस्पॉन्ड बिकॉज सडनली आई कैन नॉट सी एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड यू ऑल देर प्लीज रिस्पॉन्ड इफ यू अंडरस्टूड अ नॉट राइट गाइस right तो इतना सबको क्लियर है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अब कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं पुली के पुली बेस्ड प्रॉब्लम क्योंकि अब हमने सारे फोर्सेस स्टडी कर लिए है नॉर्मल रिएक्शन ग्रेविटी एंड टेंशन इन द रोप तो अब आ जाता है पुली और पुली सब लोगों को ना परेशान करता है जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ ही मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन में एक पुली आ रही है दे जस्ट रन अवे कि सर कुछ भी कर लो लेकिन पुली मत लाओ दिस इज वेरी डेंजरस थिंग तो डरिए मत आज मैं आपको एक शॉर्टकट भी देता हूँ कि पुली के क्वेश्चन कैसे आप डायरेक्टली कर सकते हैं विदाउट इवन मूविंग योर पेन कैसे आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चलिए आज शुरू करते हैं कैसे करेंगे सिस्टम ले लिया जाए ये सीलिंग है आपकी यहां पे एक पुली ऐसे लटक रही है और यहां से इसके ऊपर से एक रोप जा रही है दोनों तरफ और दो ब्लॉक्स हैं इनको कुछ मास दे देते हैं लेट अस से दिस इज सिक्स किलोग्राम एंड दिस इज किलोग्राम किलोग्राम और टू किलोग्राम के दो ब्लॉक्स हो गए और हमें बोल दिया है कि रोप इज इनएक्सटेंसिबल रोप जो है एक्सटेंड नहीं होगी तो आपको ये बताना है कि सिस्टम का एक्सलरेशन कितना अभी तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है लेकिन मैं यहाँ पे स्ट्रेस करना चाहता हूँ शॉर्टकट मेथड पे इसे जनरली कोई कैसे सॉल्व करेगा जनरली तो कोई भी इसे बड़ी आसानी से कर सकता है कुछ लोग नहीं भी कर पाते हैं लेकिन ठीक है एक नॉर्मल केस में तो आप कर लेंगे आप बोलेंगे सिक्स किलोग्राम हैवी है तो ये नीचे जा रहा है टू किलोग्राम ऊपर जाएगा क्यों ऊपर जाएगा क्योंकि जब ये नीचे जाएगा रोप खिंचाएगी और इसको ऊपर खींचेगी रोप तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर और इसका एक्सेलरेशन नीचे अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इसका एक्सेलरेशन सेम होगा जो इसका है क्या लगता है आपको विल सिक्स किलोग्राम हैव सेम एक्सेलेशन एज द्लॉक कोई रिस्पॉन्ड करे किसी का तो आंसर भी आ गया है बहुत अच्छी बात दैट्स गुड इट यू गॉट द आंसर ऑल्सो या तो देखिए एक्सेलरेशन सेम होगा और उसका रीजन क्या है रीजन ये है कि सोचिए अगर ये ब्लॉक एक्स से नीचे चला गया एक्स लेंथ नीचे चला गया ये ब्लॉक तो यहां पे रोप कितनी एक्स्ट्रा आ जाएगी इस राइट साइड में पुली के राइट तरफ कितनी रोप लेंथ बढ़ गई ये रोप की लेंथ कितनी बढ़ी राइट साइड में एक्स लेंथ से बढ़ गई एक्स अमाउंट की रोप लेंथ ज्यादा आ गई अब टोटल लेंथ तो बदल नहीं सकती तो अगर ये जो एक्स्ट्रा एक्स लेंथ की रोप आई है ये कहां से आएगी इतना रिडक्शन लेफ्ट साइड में होगा तो यहाँ पे रोप का रिडक्शन होना चाहिए एक्स से तभी ये हो पाएगा इसे बोलते हैं लेंथ कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट पे भी एक लेक्चर आएगा चिंता मत करिए सो so, इस तरह से हम निकालते हैं ये लॉजिक कि दोनों का जो एक्सलरेशन है वो क्या होगा दोनों का एक्सलरेशन सेम होगा विल बी नो डिफरेंस इन दैट चलिए बड़ी केयरफुली इसे हटा देते हैं इसे हटाना तो डिफिकल्ट होगा ओके okay. चलिए तो अब देखिए नॉर्मली तो कैसे लोगों ने किया मैं वो कर देता हूँ और फिर तुरंत हम शॉर्टकट पे आते हैं तो सब लोग बोलेंगे इसी एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे फ्री बॉडी डायग्राम बनाया टू किलोग्राम का और उसमें आप बोलेंगे कि ट्वेंटी न्यूटन फोर्स नीचे उसका वेट और रोप इसे ऊपर खींच रही है रोप ही तो इसे लेके जा रही है ऊपर टेंशन तो टी ऊपर और एक्सेलरेशन भी ऊपर अब हमेशा याद रखिएगा जो फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होता है वो पॉजिटिव होता है और जो एक्सेलरेशन के ऑपोजिट वो नेगेटिव होता है तो यहां पे आप बोलेंगे T पॉजिटिव और 20 नेगेटिव और ये हो गया आपका नेट फोर्स एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू एम ए मास टाइम्स एक्सलेशन और सिक्स किलोग्राम का फ्री बॉडी डायग्राम तो ये तो अपने वेट के कारण नीचे जा रहा है इसका जो 60 न्यूटन का वेट है ये इसे नीचे ले जा रहा है तो कौन इसे नीचे जाने से रोक रहा है रोप इसे रोक रही है रोक बोल रही रोप बोल रही है कि ऊपर आ नीचे मत जाओ So, ये टेंशन ऊपर की तरफ और इसका एक्सेलरेशन तो नीचे ऑब्वियसली तो यहां पे अब कौन सा फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा यहां पे 60 पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि 60 एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में तो यहां आप लिखोगे 60 माइनस टी इक्वल सिक्स ए तो दो इक्वेशन आ गई आपके साथ आपके सामने इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा फाइव जिस जिसने फाइव कहा था देवे करेक्ट तो ये तो देखिए हो गया कन्वेंशनल तरीका कन्वेंशनल तरीका सबको आता है क्वेश्चन उठता है कि शॉर्टकट क्या है आपका तो शॉर्टकट इज दिस अब शॉर्टकट देखिएगा शॉर्टकट के बारे में हम बात करते हैं राइट right? तो चलिए शॉर्टकट इज एज फॉलोइंग इसे आप मानिए एक सिस्टम जैसे दो ब्लॉक को हम एक सिस्टम कंबाइन कर देते हैं यहां पे भी आप कंबाइन कर दीजिए इन्हें एक सिस्टम की तरह तो ये जो सिस्टम अगर कंबाइन हो जाएगा सिक्स और टू किलोग्राम का तो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा एट किलोग्राम सिक्स प्लस टू अब इस सिस्टम के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं तो सिस्टम में कभी भी हम इंटरनल फोर्स नहीं देखते हैं हम क्या देखते हैं सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस तो अब अगर इसे मैं एक सिस्टम मान रहा हूं तो मैं इसे इस तरह से बोल सकता हूँ कि एक पुली एक जो ये पुली आपकी इसके ऊपर एक बहुत थिक रोप रखी हुई है ऐसी एक थिक रोप आपने रख दी है उसका आधा पोर्शन इधर है और आधा पोर्शन इधर है अब ब्लॉक्स नहीं है क्योंकि मैंने रोप को ही सिस्टम बना दिया इनको एक कंबाइन कर दिया सिस्टम में एक बार समझ लेंगे तो फिर हमेशा की छुट्टी हो जाएगी आप, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इस तरफ जो रोप का वेट है वो आप बोल दीजिए सिक्स किलोग्राम है मास और इस तरफ जो रोप का मास है वो कितना टू तो रोप का ओवरऑल कितना हो गया मास एट किलोग्राम मास ऑफ दैट रोप इज एट किलोग्राम एट किलोग्राम की रोप हो गई और इस तरफ कितना नीचे फोर्स लग रहा है वेल well, इस तरफ नीचे फोर्स लगेगा इसका मास ट्वेंटी तो और इधर कितना लगेगा नीचे सिक्सटी अब एक बात बताइए आपके पास अगर एक हो और इस तरफ आप खींच रहे 60 से और इस इस तो तो इस तरफ तरफ खींच रहे से तो 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 ओवरऑल मोशन होगी लेकिन इधर वाला फोर्स करेगा इस वाले को तो असल में दोनों फोर्स ऐड नहीं होंगे कुछ लोगों को आप खींचेंगे और इधर से भी खींचेंगे तो like तो तो कितना आ गया? इस थिक के उपर, आएगा। इनका डिफरेंस नेट फोर्स फोर्टी सिक्सटी माइनस ट्वेंटी और नेट फोर्स का अगर मास से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाता है हमारे पास एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई फोर्स बाय मास 40 बाय एटी कितना 40 बाय एट कितना होता है फाइव तो ये था शॉर्टकट अब ये समझाने में इसे टाइम लगा शॉर्टकट को एक बार समझ जाएंगे तो फिर बार बार कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अब नेक्स्ट टाइम जब भी ये देखेंगे आपके माइंड में क्या आएगा 60 इधर 20 इधर 40 टोटल मास 8 40 बाय 8 फाइव पेन भी नहीं चलाना पड़ा आंसर तो ये है शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक आई होप सबको समझ में आ चुकी है हां जी तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब अभी तक थोड़ा सा इजी ही चल रहा है क्यों नहीं आप थोड़ा सा लेवल अप करें राइट right? थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्लास का एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है चलिए इसे सॉल्व करते हैं एक रोप एक पुली है यहाँ पे और इसके ऊपर से यहाँ फ्लोर से कनेक्टेड इसके ऊपर से रोप जा रही है यहां पे एक ब्लॉक है यहां पे एक और ब्लॉक है यहां पे, जो इधर है right. अब क्या किया अब ये किया कि यहां पर एक और पुली लगाई वेल ये काफी बाहर निकल गया पुली हमें काफी अंदर ही इसे रखना है तो यहां पे एक पुली लगा दी इस ब्लॉक के ऊपर पुली लगा दी और उसके ऊपर भी एक रोप रही है और उससे आ रहा है एक ब्लॉक जो इसके ऊपर रखा है ऐसे और ये जो रोप का दूसरा किनारा है ये कहां जा रहा है तो ये ऐसे जाता है और एक फिक्स्ड वॉल है यहां पे उससे कनेक्टेड है जरा देखिए सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है अब ऑब्वियसली अभी अगर आप सिस्टम को छोड़ देंगे तो गिर जाएगा इसीलिए हम यहां पे एक फोर्स लगा रहे हैं और इस फोर्स लगा के इसे हम मूव कर रहे हैं तो आप सिस्टम को समझ रहे हैं कैसे जा रहा है इधर आप ऐसे फोर्स लगा रहे हैं रिमूव कर रहा है। तो आपको कुछ डेटा दे दिया जाए यह ब्लॉक हम कर देते हैं टू किलोग्राम्स इसे कर देते हैं फाइव किलोग्राम्स और इसे कर देते हैं टू किलोग्राम्स ऑल द रोप्स आर आइडियल एंड इनएक्सटेंसिबल वही उसका मीनिंग है आपको दिया हुआ है कि जब ये सिस्टम मूव करता है हम फोर्स एफ लगाते हैं और ये सिस्टम मूव करता है ये जो ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ जाता है विद टू मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर कितना एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है टू मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर तो आपको बताना है ऐसा होने के लिए कितनी फोर्स की वैल्यू होना पड़ेगी हाउ मच वैल्यू ऑफ एफ शुड बी देयर फॉर दिस ब्लॉक टू गो अप विद टू मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर चलिए सॉल्व करिए देखते हैं किस किस का आंसर आता है आई होप यू ऑल आर सॉल्विंग अच्छा क्वेश्चन है बड़े ध्यान से कीजिए थर्टी एट न्यूटन्स किसी का आंसर आया है ओके नाइस समबड़ी हैज ऑलरेडी गॉट सम आंसर बाकी लोग उनका क्या आंसर आ रहा है चलिए सॉल्व करें सॉल्व कर लेते हैं एक एक करके सारे ब्लॉक्स लेते हैं सबसे पहले ये वाला ब्लॉक लेते हैं इसके ऊपर ऊपर की तरफ लग रहा है एक टेंशन T1। अब मैंने इसे T1 क्यों बोला क्योंकि यहां अब दो दो रोप्स हैं ये एक रोप हुई और यह दूसरी रोप हुई दोनों में टेंशन अलग अलग हो जाएगा टेंशन बदल जाता है रोप बदलते ही याद रखना एज लॉन्ग एज रोप एक ही हो तो टेंशन वही रहता है जैसी रोप बदली टेंशन भी बदला इसके ऊपर लग रहा है टी वन ऊपर और इसका वेट ट्वेंटी नीचे तो इसका मतलब हमारे पास आ गई टी वन की वैल्यू हम टी वन की वैल्यू यहां से तुरंत निकाल लेते हैं कैसे निकालेंगे हम बोलेंगे कि इक्वेशन लिख लो टी वन माइनस ट्वेंटी इक्वल्स एम ए दैट इज फोर तो टी वन की वैल्यू आ गई ट्वेंटी फोर न्यूटन्स आई होप ये सबको क्लियर होगा बड़ी इजीली आ गया टी वन का वैल्यू अब यही T1 जब ऐसे लग रहा है इसके ऊपर ऊपर और ये आगे जा रहा है तो ये T1 इसे अपोज कर रहा है इस पर सेम फोर्स T1 पीछे लग रहा है इस तरफ तो फाइव किलोग्राम पे एक तो आ गया आपका T1 पीछे की तरफ चलिए ये हमारी बात हो गई T1 की वैल्यू याद रखें यहां पे दूसरा फाइव किलोग्राम पे और क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं फाइव किलोग्राम का एफ बनाते हैं तो देखिए जी एक तो लग रहा है इसके ऊपर पीछे की तरफ T1 एक लग रहा है जो फोर्स आपने लगाया F और दूसरा आप देखिए ये जो टू किलोग्राम ब्लॉक है ये फाइव किलोग्राम उसको ऐसे पुश करेगा आगे क्योंकि टू किलोग्राम का मोशन ऐसी होगा ना ये पुलिस के साथ कनेक्टेड है ये ऐसे आगे बढ़ेगा तो टू किलोग्राम ऊपर भी जाएगा और टू किलोग्राम आगे भी जाएगा तो ये टू किलोग्राम को पुश कर रहा है फाइव किलोग्राम एक कांटेक्ट फोर्स लगा रहा है उस पर तो ये टू किलोग्राम क्या करेगा उसी कांटेक्ट फोर्स से रिस्पॉन्ड करेगा इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन तो ये रहा वो कांटेक्ट फोर्स टू किलोग्राम का और क्या अब यहाँ पे लोग मिस कर जाते हैं इस बात को मान लीजिए इस रोप में मैं टेंशन लूँ T1 क्योंकि टू किलोग्राम ऊपर जा रहा है तो ये आया एक टेंशन ऊपर इसको बोल देते हैं T2 तो इस पूरी रोप में यही टेंशन होने वाला है अब थोड़ा सोचिए जब ये ब्लॉक ऐसे आगे जा रहा है तो डोंट यू थिंक ये पुली के ऊपर ये रोप इस तरफ फोर्स लगा रही है सेम टेंशन टी टू नीचे भी लगा रही है इस पुली के ऊपर और इधर भी लगा रही है और ये पुली फाइव किलोग्राम से कनेक्टेड है इसीलिए ये फोर्स फाइव किलोग्राम को भी महसूस हो जाएगा तो ये लोग मिस कर जाते हैं कि फाइव किलोग्राम पे भी एक पीछे की तरफ टी टू लगेगा और एक नीचे की तरफ क्योंकि ये ब्लॉक इस इस टेंशन नीचे भी आ रहा है टी टू ऐसे तो नीचे की तरफ भी टी टू है लेकिन हम अभी वर्टिकल से कंसर्न नहीं है टी टू नीचे ज़रूर लग रहा है उसका खुद का मास सब कुछ लग रहा है आई एम नॉट कंसर्न विद वर्टिकल पार्ट मुझे तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल से लेना देना है ओके okay. अब थोड़ा सा सोचिए टू किलोग्राम लास्ट ले लेते हैं पहले फाइव किलोग्राम का यहाँ बना दिया हमने टू किलोग्राम लास्ट एफ बी डी ऑफ टू किलोग्राम तो जैसा कि अभी बात हुई फाइव किलोग्राम इसे पुश कर रहा है तो उसने एक कॉन्टेक्ट फोर्स लगाया रिस्पॉन्ड किया तो फाइव किलोग्राम ने शुरू में लगाया होगा इतना ही फोर्स सी जिससे फाइव किलोग्राम को वापस रिस्पॉन्ड हुआ तो सी उस पर एक फोर्स लग रहा है दूसरा टी टू ऊपर रोप उसे ऊपर खींच रही है उसका खुद का वेट उसे नीचे खींच रहा है अब जरा देखते हैं एक बात बताएंगे फाइव किलोग्राम कितने एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है कोई बता सकता है नो 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 नीड टू डू एम वन एम टू यहाँ एम वन एम टू की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे तो वैल्यूज दी हुई है तो लॉजिकली सॉल्व करिए तो कोई बताएगा फाइव किलोग्राम कितने एक्सेलरेशन से आगे जाएगा देखिए यहाँ पे एक रोप है इस रोप का कंस्ट्रेंट भी तो फॉलो करना है तो इस रोप की अगर लेंथ बदल नहीं सकती और ये ऊपर जा रहा है टू से तो उतना ही इसको आगे जाना पड़ेगा अगर ये एक्स से ऊपर जाता है तो उतना ही एक्स से इसको आगे जाना पड़ेगा इसका मतलब हॉरिजॉन्टली फाइव किलोग्राम भी कितने से आगे जा रहा है वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट वी गॉट टू नो इट्स ऑल्सो गोइंग अहेड विथ टू मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात तो यहां पे लिख लो इसका एक्सेलरेशन है टू मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर और अब देखिए टू किलोग्राम इसके साथ हमेशा कॉन्टैक्ट में ये कॉन्टैक्ट फोर्स लगा उसको लेके जा रहा है आगे दोनों हमेशा कॉन्टैक्ट में इसका मतलब टू किलोग्राम भी आगे कितने से जा रहा है हॉरिजॉन्टली वो हॉरिजॉन्टली जा रहा है टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही हाँ लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज टू किलोग्राम के पास एक वर्टिकल एक्सेलरेशन भी है क्योंकि वो आगे भी जाता है और ऊपर भी जाता है तो इसीलिए एक वर्टिकल एक्सेलरेशन भी लिखो जिसकी वैल्यू अभी हमें पता नहीं देखते हैं कितना है राइट right? तो चलिए अब इससे तुरंत ही मेरे पास सी की वैल्यू आ गई क्योंकि हॉरिजॉन्टल में टू किलोग्राम के ऊपर एक ही फोर्स है जो से ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है तो सी की वैल्यू तो तुरंत हम यहां पे लिख लेते हैं बड़ी आसानी हो गई यहां पे सी की वैल्यू एम ए न्यूटन c की वैल्यू आ गई अब बात आता है कि t2 की वैल्यू कैसे निकालें t2 की वैल्यू कैसे लाएंगे और यहां पे आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये काफ़ी लोग समझ नहीं पाते हैं कि t2 की वैल्यू कैसे निकालें क्योंकि यहां पे उसके लिए चाहिए आपको एक्सेलेशन वर्टिकल वाला वर्टिकल एक्सेलेशन कहां से लाए हैं t2 टू की जब तक वैल्यू नहीं है तब तक ये कैसे आएगा तो यहां पर लोग आके फंस जाते हैं तो आपको क्या लगता है क्या ये एक्सेलेशन आपको पता है इसके ऊपर जाने का कितने एक्सेलेशन से ऊपर जाएगा कैन एनी बडी टेल मी दैट कंस्ट्रेंट्स में प्रॉब्लम है we'll do the, we'll do that, constraints भी. एक पूरा लेक्चर है तो टू किलोग्राम कितने एक्सलरेशन से ऊपर जा रहा है अब मैं फाइनली बता रहा हूँ जरा देखिएगा अगर ये पुली एक्स लेंथ से आगे बढ़ती है जरा मैं साइड में बनाता हूँ अगर ये जो पुली है जो कि ब्लॉक से कनेक्टेड है ये यहाँ पर आ जाती है एक्स लेंथ से आगे बढ़ गई तो ऊपर जो रोप थी जो यहाँ पे रोप है उसकी लेंथ कितने से बढ़ गई उसकी लेंथ ए एक्स से बढ़ गई ये जो यहाँ ऊपर पोर्शन रोप का अगर ये आगे बढ़ता है ब्लॉक ऊपर जाता है तो यहाँ पे ये लेंथ बढ़ जाएगी रोप की हॉरिजॉन्टली। तो एक्स लेंथ बढ़ गई तो ये एक्स लेंथ कहाँ से आएगी रोप लेंथ तो ये कांस्टेंट है तो अगर ये एक्स से बढ़ी है इसका मतलब यहां से एक्स से कम हुई होगी जो नीचे हैंग कर रही है उसमें से एक्स का रिडक्शन हुआ होगा इसका मतलब जितने डिस्प्लेसमेंट से ये फाइव किलोग्राम आगे जाता है उतने ही डिस्प्लेसमेंट से टू किलोग्राम ऊपर जाता है कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है समझे सब लोग जितना ये एक्स से आगे जाएगा उतना ये एक्स से ऊपर जाएगा तो इसका मतलब इसका अगर फॉरवर्ड एक्सेलरेशन टू है तो इसका अपवर्ड एक्सेलरेशन टू है बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात पता चली तो ये ए की वैल्यू आ गई टू मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर चलिए तो अब तो फिर ए आ गया तो टी भी निकल जाएगा क्या इक्वेशन लिखेंगे टी टू माइनस ट्वेंटी इक्वल्स एम ए टू इन टू दैट्स फोर तो टी टू भी आ गया ट्वेंटी फोर क्या कोइंसिडेंस है देखिए टेंशन सेम आ गई है हमेशा ऐसा नहीं होता है ये इस बार की कोइंसिडेंस थी है ओके okay, अब इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस आ गए सिर्फ एफ अनोन है बड़ी आसानी से निकाल दीजिए क्या लिखेंगे यहां पे यहां पे आप लिखेंगे फॉरवर्ड में फोर्स हो गया एफ माइनस एक कांटेक्ट फोर्स क्योंकि ये ऑपोज कर रहा है कांटेक्ट फोर्स कितना था फोर सो एफ माइनस फोर टी वन भी ऑपोज कर रहा है टी वन है ट्वेंटी फोर t2 भी ऑपोज कर रहा है सभी ऑपोज कर रहे हैं बिचारे को तो -24 अगेन तो सिर्फ एकमात्र फोर्स है जो उसे आगे ले जा रहा है f बाकी तो सब ऑपोज किए इसलिए नेगेटिव में आ गए तो ये नेट फोर्स आ गया 5 किलोग्राम पे एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू ma इसका मास टाइम्स एक्सीलरेशन व्हिच इज 10 तो फाइनल आंसर कितना आया तो 48 फिफ्टी टू प्लस टेन सिक्सटी टू फोर्स की फाइनल जो वैल्यू थी दैट इज सिक्सटी टू न्यूटन्स आंसर था किसी का आंसर नहीं आया सिक्सटी टू तो फिफ्टी टू कैसे बोल रहे हैं देखिए फोर्टी एट तो यही हो गया फोर्टी एट प्लस फोर फिफ्टी टू फिफ्टी टू जब उधर जाएगा तो टेन में ऐड भी तो होगा फाइनल आंसर। तो ये था एक ऐसा प्रॉब्लम ये अकेला प्रॉब्लम आपके सारे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है इस तरह का ये क्वेश्चन है तो पसंद आया सबको तो इसे एक बार फिर से देखिएगा रिवाइज करिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम और हम लोग अब मिलेंगे अगली बार विच इज फ्राइडे लेकिन आप क्लासरूम देखते रहिएगा टैब दूसरे लेक्चर जरूर आएंगे मंडे को फिर एक लेक्चर है रोज अब हम मिलने वाले हैं तो सेकेंड लेक्चर में रेडी रहिएगा विथ सूडो फोर्सेस ओके सूडो फोर्सेस के लिए रेडी रहिएगा नेक्स्ट लेक्चर सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम गुड नाइट बाय